सर कब तक चलेगा? आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22450 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से रात के 11:45 बजे निकलती है और ठीक तीसरे दिन गुवाहाटी को पहुंचाती है। और ये आप देखिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ? अभी एक औरत आती है और ये झंडा आप देख रहे हैं हैंकी चेयर बोल के लगा देती है, और उसके बाद बच्चों को मतलब स्कूल 15 अगस्त की शुभकामनाएँ देती है और बोलती है कि कुछ डोनेशन दीजिए बच्चों के लिए। तो मैं जब 10 रुपये दिया तो उसने क्या कहा पता है? नहीं, मुझे 500 रुपये दीजिए। अरे भाई, 500 रुपये रहेगा तब तो देंगे हम। तो फिर बोलती है नहीं, कम से कम 50 दीजिए। हम बोले ठीक है, लेना हो लो, नहीं तो ये भी 10 रुपये दे दो। फिर उसके बाद 10 रुपये भी ली वो, और उसके बाद चली गई। तो न्यू दिल्ली स्टेशन में यदि आप आते हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ही फ्रॉड हो रही है ये सब। अभी आप देखिए स्टेशन है। बैग भी चेकिंग हो रही है। तो आपका भाई ने बैग चेक करा ली है, और आपका भाई ट्रेन में स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाला है, जिसका कोच नंबर है S5 और सीट नंबर है 62। तो सूचना के अनुसार हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली स्टेशन पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी। तो चला जाए 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे। उस पर आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली कटरा वंदे भारत, और इस तरफ आप देखिए 16 नंबर पे बनारस दिल्ली वंदे भारत, और 15 नंबर पे हमारी ट्रेन लगाई जाएगी संपर्क क्रांति। तो अभी लगाया नहीं गया है, यहाँ पर आएगी उसके बाद लगाया जाएगा। यही कितना सही लगता है देखने में, दोनों तरफ वंदे भारत और बीच में हमारी ट्रेन। यही मज़ा है न्यू दिल्ली का और हमारे वंदे भारत का। तो मेक इन इंडिया की सफलता बयां करती है वंदे भारत। तो यदि आपको वंदे भारत का ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लें। तो ये आप देख रहे हैं इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोको लगाए गए हैं, और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। और इस ट्रेन में काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जाने के लिए, तरफ भी आप देखिए। तो ये आप देख रहे हैं ट्रेन लोग कैसे चढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो ट्रेन रुकेगी यार, आराम से चढ़ो, तो आराम से आप लोग चढ़िएगा। ये देखिए ट्रेन तो यहाँ पे रुकेगी और यहीं से खुलेगी, तो आराम से चढ़िए, धक्का धुक्की ना करें। ऐसे में आपका पर्स भी खो सकता है, कुछ भी चोरी हो सकता है, तो ध्यान दें। ये देखिए गेट टू करके खाली हो गई। आप लोग बेकार में, ये लोग बेकार में हड़बड़ी कर रहे थे, गेट टू खाली हो गई, हो गया, हो गया। चलते हैं अंदर से। चलते अपने बर्थ पे, बर्थ पे जाके फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। और इस तरफ आप देख लीजिए एक बार और, बनारस दिल्ली वंदे भारत। अंधेरा है काफ़ी, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। लोग बोलेंगे क्या बात है, आजकल बहुत ज़्यादा स्लीपर में जर्नी करता है, क्या इसका बजट बढ़ गया है क्या? तो ऐसा नहीं है यार। तो काफ़ी मतलब मैंने तीन ट्रेन लगातार जर्नी की है, तो तीनों ट्रेन जो है वो रात का सफ़र ही था। मैंने सोचा क्यों ना स्लीपर की बुक कर ली जाए, और जनरल में बुक करने से मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो दिखा भी नहीं पाता हूँ और बना भी नहीं। एक और जर्नी की शुरुआत हो रही है हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में। न्यू दिल्ली स्टेशन से रवाना हो चुकी है हमारी संपर्क क्रांति। तो मिलते हैं आपसे सुबह कानपुर सेंट्रल में। अभी हम आ पहुँचे हैं कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB
और ये स्टेशन भारत का बिजनेस स्टेशन है और ये स्टेशन ही इंडियन रेलवे को काफ़ी कमाई करके देती है। और ये लखनऊ चंडीगढ़ प्रयागराज संगम जा रही है, हमारी गाड़ी भी है और हमारी ट्रेन राइट टाइम चल रही है। कानपुर स्टेशन में मैंने मुँह धो लिया है और चाय भी ले ली है क्योंकि इसके बाद एक ही बार अब प्रयागराज गाड़ी रुकेगी। अब देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र मेल है और ये कामाख्या जाएगी और ये हमारी ट्रेन गुवाहाटी जाएगी। वहाँ पहुँचे हैं प्रयागराज जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है PRYJ और ये स्टेशन का नाम पहले इलाहाबाद था और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है और सावन शुरू हो गई है तो ये देखिए शंकर जी के भक्त आप पहुँचे हैं यहाँ पे। कोच में पानी भरे जा रहे हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है DDU और इस स्टेशन का नाम पहले मुंबई का रहा था और उस तरफ प्लेटफॉर्म की तरफ में इतने चिल्ला रहे हैं यार बेचने वाले फल बेचने वाले, तो मैं बनाया हुआ फिर डिलीट कर लिया और फिर इस तरफ में आके ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि सब कुछ छूट जाए पर कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। तो ये पहले हमको रोटी दिया गया है, तो ये तीन रोटी है और साथ में ये मैंगो का अचार और ये चावल देख सकते हैं चावल और ये दाल दिया गया है और सब्जी क्या चीज़ की है ये मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये आप देख रहे हैं ये पनीर की सब्जी है, तो ये रहा खाना जिसके मुझे जिसके पड़े हैं 120 रुपये, तो 120 रुपये लिए हैं। ठीक ठाक ही है खाना, 120 रुपये लिए है, बैटरी कार्ड से मैंने लिया तो ठीक ठाक ही है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं पाटलिपुत्र जिसका स्टेशन कोड है PPTA और हमारी ट्रेन 10 मिनट बिफोर आई है यहाँ पे, यानी कि 20 मिनट यहाँ पे रुकेगी फिर उसके बाद जाएगी। ये अब देखिए बिहार में अभी भी गर्मी है यार बहुत, पूछो मत। यदि आप न्यू दिल्ली से गुवाहाटी के लिए टूर का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसी ट्रेन में जाएं क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है और इसमें हिजड़े भी नहीं आए और कोई मांगने वाले भी नहीं आए। कारण ये है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज ही कम है और अभी हम पाटलिपुत्र में भी 10 मिनट बिफोर आए हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। कब तक चलेगा? तो यहाँ पे बछवाड़ा स्टेशन में तकरीबन 2 घंटे से हमारी ट्रेन रुकी हुई है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इंजन में शायद कुछ ख़राब हो गई है तो पता नहीं कब तक चलेगी ये और हल्की हल्की से बरसात भी हो रही है आप देखिए।
अभी हम है बरौनी जंक्शन में और यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है और हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई है। मछवारा स्टेशन में ही आपने देखा कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से 3 घंटे वहीं पे रोक दिया गया और फिर अभी बरौनी में रोक दिया गया, तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। कटिहार आते हैं तो आपको बताया जाएगा कितने लेट हुए हैं हम। अभी हम आ पहुँचे हैं कटिहार जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है KIR और हमारी ट्रेन 3 घंटे ही लेट है। और इस तरफ आप देखिए कटिहार अमृतसर, कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस लगी हुई है। अभी भी देखिए उसमें अभी भी लोग चढ़ ही रहे हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं किशनगंज जिसका स्टेशन कोड है KNE और हमारी ट्रेन अभी भी 3 घंटे लेट है। तो अभी 12:10 हो चुके हैं जबकि यहाँ पे इसका टाइम था 9:00। फाइनली न्यू जलपाईगुड़ी आ चुके हैं और मैं यहीं तक जर्नी करने वाला था और ये ट्रेन गुवाहाटी चली जाएगी और गुवाहाटी में इस ट्रेन का 8:15 में टाइम है लेकिन ट्रेन हमारी 2.5 घंटे लेट आई है यहाँ पे। तो ट्रेन का आने का यहाँ पे समय 11:00 का था लेकिन आई है 1:30, तो पता नहीं गुवाहाटी कब पहुँचाएगी। तो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं फिर जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।